ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप फाइनली यार थर्ड एपिसोड लेके आ चुका हूँ मैं, है कि नहीं मुझे पता है। आपका यार इस एपिसोड का काफी वेट था, लास्ट वीडियो पे कुछ खास रिस्पांस नहीं आया, तो प्लीज यार इस वीडियो को अच्छे से प्यार दिखाने की कोशिश करना। और मुझे पता है यार मैं खुद भी रेगुलर वीडियोज नहीं डाल रहा हूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे करके इसको हम ठीक करेंगे, शेड्यूल को ठीक करेंगे, इस रिदम को ठीक करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें एंड में कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, और हमें बताया जाता है कि इस बार क्लास डी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होता है भाई। मतलब लगभग इन्होंने अपने स्कोर्स इतनी कमाल के तरीके से इंप्रूव किए होते हैं ना, कि भाई जो चाबशीर होती है वो खुद शॉक हो जाती है। वो इनकी जो होम रूम टीचर होती है वो खुद ये कहती है कि यार मतलब मेरे को तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एकदम से इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है, क्या बात है। लेकिन अभी भी एक इंसान ऐसा है जो कि फेल हो गया है, और ये और कोई नहीं बल्कि केन सुडो होता है। यहाँ पे इनको 40 मार्क्स की जरूरत थी कम से कम पास होने के लिए, लेकिन उसके बेचारे के 30 मार्क्स ही आए होते हैं, वो सिर्फ एक पॉइंट से मिस हो गया होता है और फेल हो चुका होता है। जिसका मतलब ये है कि अब केन सुडो को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और वो यहाँ पे खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योटा का इधर कुशीडा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो उससे यही कहता है कि मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो कहती है कि हाँ जरूर चलते हैं। तो ये लोग यहाँ पे एक अपर क्लासमैन से मिलते हैं, एक ऐसा बंदा जो कि मतलब इनका सीनियर होता है, ठीक है। ये लोग उसके पास जाके बैठते हैं और देखते हैं कि इस बंदे के पास पैसे नहीं होते, मतलब इसके शायद पॉइंट्स खत्म हो चुके होते हैं जब ये ना बेकार का खाना खा रहा होता फ्री का। तो क्योटा का यहाँ पे उसे एक ऑफर देता है, वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम ये बेकार का खाना खा रहे हो, तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ पॉइंट्स कमाने की। अगर तुम मेरे को पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स दे दोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दूंगा। तो यहाँ पे जब वो बंदा पूछता है कि भाई कितने पॉइंट्स दोगे, तो इधर पहले तो क्योटा का 10,000 पॉइंट्स बोलता है, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं 10,000 पॉइंट्स से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ज्यादा चाहिए, 30,000 के अराउंड बोलता है वो पॉइंट्स। उसके बाद धीरे धीरे करके भाई कुशीडा उसको मनाना शुरू करती है, कुशीडा की ब्यूटी को देख के और उसकी अदाओं को देख के वो धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं, ये दोनों बार्गेन करने लग जाते हैं क्योटा का और वो अपर क्लासमैन, और ये एंड में आके 15,000 पॉइंट्स पे डन करते हैं इस डील को, जिसमें यार वो अपने क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चन आंसर सब कुछ देगा इनको, सारा मटेरियल देगा, ठीक है। पहले तो इनको लगता है कि कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, कुछ क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन जब ये लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन सेम होते हैं दोनों सालों के। मतलब 2 साल से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो हो सकता है कि इस साल भी सेम क्वेश्चन आए, ये लोग ऐसा सोचते हैं। और इधर क्योटा का कुशीडा से यही कहते हैं कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताओ, क्योंकि लोग मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुशीडा यही सोचती है कि इससे इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो क्योटा का यही कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भी घबराया नहीं इस चीज में। इसका मतलब ऐसा होता रहता होगा कि जूनियर स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर मांगते ही होंगे, तो इसमें रूल्स के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये जरूर रूल्स के अंदर ही होगा। जिसके बाद जब यहाँ पे क्योटा का केन के पास जाता है उसे स्टडी ग्रुप में इन्वाइट करने के लिए, तो वो देखता है कि केन को इधर क्लास सी के स्टूडेंट्स ने घेर रखा होता है, और भाई तुम्हें पता ही है केन बड़ा चौड़ता है और वो उनसे लड़ने के लिए कह रहा होता है। और जब इधर केन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इनमें से 2 बंदे केन को पकड़ लेते हैं, और जो इनका लीडर होता है रोएन वो आता है, और वो यही कहता है कि हमें पता है कि तुम फेल हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बस की भी नहीं है स्कूल में आगे बढ़ना। यहाँ पे वो अपनी उंगली आगे लाता है, जैसे कि वो भाई केन की आंखों में वो उंगली डालने वाला होता है, जिसके बाद भाई केन डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और रोएन भी कहता है कि क्या बात है यार, ये तो मतलब पहले डर गया, वो उसके माथे पे ऐसे उंगली से मारता है और उसको आगे और टॉर्चर करने के बारे में सोचता है। तभी यहाँ पे होनामी इचिनो से आ जाती है और वो यही कहती है कि बस रुक जाओ, बहुत हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ पे रोहिन कहता है कि अरे हम कुछ नहीं कर रहे यार, ये बंदा हमें परेशान कर रहा था। तो वो कहती है कि अच्छा, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, छोड़ दो उसे, नहीं तो मेरे को यहाँ पे स्कूल की सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा कि यहाँ पे दंगा चल रहा है। तुम्हें पता है ना स्कूल में लड़ाई झगड़ा करना कितना बुरा हो सकता है। तो ये लोग यहाँ पे डर जाते हैं और केन को यहाँ से जाने देते हैं, खुद भी यहाँ से निकल जाते हैं। केन को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा और होता है कि किसी और ने आके उसकी मदद की है, वो भी एक लड़की ने उसकी मदद किया आके। तो वो जब बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो भाई क्योटा का और होनामी दोनों के दोनों उसको रोक देते और कहते बस जाने दो, हो गया बहुत। यहाँ पे होनामी साइड में खेल रही लड़कियों को भी शांत करती है और कहती है कि हे अब तुम आराम से खेल सकती हो, मैंने सारा दंगा सॉल्व कर दिया है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये सारी की सारी लड़कियां भाई होनामी के लिए चेयर करती है। इसका मतलब यह है कि होनामी भी काफी ज्यादा फेमस है स्कूल में लड़कियों के बीच में शायद, और लड़कों के भी मे भी। जब यहाँ पे केन जाने वाला होता है तो क्योटा का केन से यही कहता है कि तुम स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारे साथ और हम वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, उसमें तुम्हारे दोनों दोस्त भी है। तो यहाँ पे केन इस ऑफर को ठुकरा देता है और अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बास्केटबॉल में भी केन कुछ ज्यादा अच्छा खास नहीं होता, और इधर सुजू ने
में जब देखती है कि केन इसमें भी बेकार है, और केन जब यहाँ से खेल के बाहर निकलता है तो उसको मिलती है और वो यही कहती है कि देखो तुम, मुझे पता है कि बास्केटबॉल खेलना चाहते हो लेकिन तुम इसमें भी ठीक नहीं हो, अगर तुम सच में आगे भी बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने पॉइंट्स भी मेंटेन करके रखने होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। जिसके बाद यहाँ पे केन ऑलमोस्ट मान जाता है पढ़ाई करने के लिए भी, ठीक है ना। तो बेसिकली सीन ये होता है कि भाई कुशीदा पूरी क्लास को इन क्वेश्चन पेपर्स की कॉपीज दे देती है जिससे कि ये लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, और ये सारे के सारे लोग काफी खुश भी होते हैं, जिसके बाद आपको पता ही है कि ये लोग इसी वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं सभी के सभी इस टेस्ट में। इसके बाद भी यहाँ पे केन सुडो फेल हो चुका होता है। यहाँ पे मैं फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और चाबीशीरा ये कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये बंदा तो एक्सपेल होकर ही रहेगा और तुम लोगों ने अच्छा काम किया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल अपनी आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं कि कुछ तो कर सकते हैं, मतलब कुछ तो हो सकता है ना इसको बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे चाबीशीरा साफ मना कर देती है इन लोगों को और यहाँ से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। तो ये लोग सोचने लग जाते हैं कि अब ये लोग करेंगे क्या। क्योटाका तभी यहाँ पे अपनी सीट से खड़ा होता है, क्लासरूम से बाहर निकलता है, वो चाबीशीरा के पीछे पीछे जाता है। यहाँ पे चाबीशीरा भाई टेरेस पे होती है और स्मोक कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो क्योटाका कहता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि हमारे इस देश में इक्वालिटी नाम की चीज है। तो चाबीशीरा कहती है वैसे तुम जैसे छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सीरियस क्वेश्चन पूछोगे तुम, तो सच में देखा जाए तो इक्वालिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है इस दुनिया में। तो क्योटाका कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बस आपसे एक चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि केन को सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है पास होने के लिए और वो एक पॉइंट मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चाबीशीरा हंसती है और कहती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसा बोलते हुए। तो क्योटाका कहता है कि नहीं, आपने फर्स्ट डे में ही कहा था कि ये जो ये पॉइंट्स है हमारे पास इनकी मदद से हम स्कूल कैंपस में कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी, तो मेरे ख्याल से इससे हम पॉइंट्स भी खरीद सकते हैं, क्यों है ना। तो चाबीशीरा कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट की ही कीमत तुम नहीं जानते, बहुत ज्यादा है। तो क्योटाका कहता है ठीक है फिर बताइए मुझे कि कितनी है वो पॉइंट की कीमत। तो यहाँ पे भाई चाबीशीरा कहती है कि 100,000 पॉइंट्स देने पड़ेंगे तुम्हें एक स्कोर के बदले। तो यहाँ पे क्योटाका कहता है ये तो अनफेयर है मैम, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है 100,000 तो इनको महीने के स्टार्टिंग में मिले थे और अब तो इन लोगों के पैसे भी कम हो चुके हैं, तो ये 100,000 पॉइंट कैसे दे पाएंगे। तो तभी यहाँ पे पीछे से सुजुने आ जाती है और वो कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो ये लोग यहाँ पे दोनों के दोनों 50,000 पॉइंट्स मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं केन सुडो को बचाने के लिए, और इनका ये स्पिरिट देख के चाबीशीरा काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाती है, वो काफी ज्यादा अच्छा फील करती है। वो कहती है कि अब बात है मुझे लग ही रहा था कि इस बार की क्लास डी बाकी क्लास डी से काफी ज्यादा अलग है, वैसे आज तक कोई भी क्लास डी ऊपर नहीं उठ पाई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग बिल्कुल अलग हो और तुम्हारे इस ऑफर को देख के ऐसा लगता है कि हाँ तुम जरूर आगे बढ़ोगे। तो ठीक है फिर, अब मैं अपने शब्दों से मुखर भी नहीं सकती, मैंने तुम्हें खुद ही बोला है 100,000 पॉइंट्स के बदले मैं केन सुडो को पास कर दूंगी, तुम उसे कह सकते हो कि अब वो स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पे उसी रात ये लोग यहाँ पे सबके सब एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि केन सुडो को अब यहाँ पे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, और इसी बात पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी पार्टी क्योटाका के ही रूम में हो रही होती है और वो सोचता है भाई मेरा ही रूम क्यों चूज किया तुमने। तो यहाँ पे जब ये सबके सब एंजॉय कर रहे होते हैं, कुशीदा इधर क्योटाका से पूछते हैं कि हे क्या ये बात सच है कि तुमने टीचर को मनाया कि केन सुडो को स्कूल से ना निकाला जाए। तो ये सबके सब शांत हो जाते हैं और सुनते हैं कि क्या ये बात सच है, सच में क्योटाका ने मनाया चाबीशीरा को। लेकिन यहाँ पे क्योटाका सारा का सारा क्रेडिट सुजुने को दे देता है और कहता है कि नहीं मैंने कुछ खास नहीं किया, सुजुने ने ही हायर अथॉरिटी से बात की थी कि केन सुडो को स्कूल से ना निकाला जाए और वो लोग मान गए। तो यहाँ पे केन काफी इमोशनल हो जाता है, वो कहता है क्या ऐसा क्यों किया तुमने मेरे लिए। तो सुजुने यही कहती है कि देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी ओवर कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, सबके सब चले जाते हैं। इधर कुशीदा बची होती है और वो यही कहती है कि शुक्रिया क्योटाका तुमने हमें अपने रूम का इस्तेमाल करने दिया। तो क्योटाका कहते कोई बात नहीं अब तो हो गया। तो कुशीदा कहती है कि हे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम सुजुने को पसंद करते हो, क्या वो तुम्हारे टाइप की लड़की है, क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ रहते हो और बाकी लड़कियां स्कूल में ऐसी बातें बनाती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो क्योटाका यही कहते कि नहीं वो तो बस मेरी एक दोस्त है, दोस्त भी नहीं कह सकता, वो बस मेरे साइड में बैठती है क्लासरूम में इसलिए हमारी बात होती है, वरना बिल्कुल ना हो। तो कुशीदा कहती ठीक है फिर चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। तो कुशीदा यहाँ पे जब निकल जाती है तो क्योटाका देखता है कि बेड पे कुशीदा का फोन रह गया होता है, तो वो जब उसको वापस देने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कुशीदा नीचे जा रही है जबकि सारी लड़कियों के रूम्स तो ऊपर होते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि ये रात में जा कर रही है, तो उसका पीछा करता है, वो देखता है कि यहाँ पे कुशीदा के खड़ी हो जाती है और भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है। वो गुस्से में बोलती है कि ये अपने आप को समझती क्या है, मतलब ये सुजुने इतनी खूबसूरत है तो कुछ भी करेगी क्या, मैं इसको मार दूंगी, इसको जान से मार डालूंगी मैं। भैया ये मतलब ये तो बिल्कुल उसका अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है और क्योटाका उसको छुपके देख रहा होता है। जब यहाँ पे कुशीदा के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसके बाद कुशीदा समझ जाती है कि यहाँ पे पीछे कोई है, वो कहती क्या कोई मेरी बात सुन रहा है सामने आओ। तो क्योटाका यहाँ पे सामने आता है और कुशीदा उसके पास आती है और वो कहती है कि बताओ मेरे को क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। तो क्योटाका कहता है अगर मैंने बोला कि मैंने नहीं सुनी तो तुम क्या करोगी। तो कुशीदा कहती है देखो अपना मुंह बंद रखना, ये चीज एक सीक्रेट रहनी चाहिए, नहीं तो
मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे को छेड़ने की कोशिश किया और तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की है। तो क्योटाका कहते हैं ये तो लेकिन झूठ होगा ना, मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तो कुशीरा इधर उसका हाथ उठा के अपने ब्रेस्ट पे रख देती है और वो कहती है ये लो हो गया प्रूफ, अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मेरी ड्रेस पे है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे स्कूल में तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। तो क्योटाका कहते हैं ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब मेरा हाथ छोड़ दो। यहाँ पे क्योटाका पहले की कुशीरा को याद करता है कि कैसे कुशीरा बिल्कुल प्यारी सी लड़की हुआ करती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, बिल्कुल अच्छे से रहा करती थी, और अब इस कुशीरा को देख लो जो कि बिल्कुल सीरियस है, अलग ही पर्सन है वो। और ऐसा लगता है कि हमेशा से ही कुशीरा ऐसी थी और वो बस नाटक किया करती थी अच्छी लड़की बनने की। कुशीरा उससे यही पूछती है कि क्या मैं सच में तुम्हारे पे भरोसा कर सकती हूँ कि तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे। तो यहाँ पे क्योटाका वादा करता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे वो अपनी गहरी सांस लेती है और फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है और खुशी खुशी कहती है ऐसा लगता है कि हमारा एक और सीक्रेट हो गया है उस एग्जाम पेपर के बाद, है ना। और यहाँ पे क्योटाका भाई देख रहा होता है इसको कि यार ये है क्या बंदी, मैं तो इसको ठीक से जानता भी नहीं शायद अभी। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड यहाँ जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आई नो यार मतलब हो रहा है थोड़ा डिले हो रहा है, बट डोंट वरी मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लाने की। यार अभी ना थोड़ा मैं स्विमिंग वगैरह जा रहा हूँ तो उस वजह से मेरा ज्यादा टाइम वहीं खिंच जाता है, मतलब तुम लगा लो 5 से 6 घंटे मेरे उधर चले जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो लोग स्विमिंग करते होंगे उनको पता होगा कि स्विमिंग पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज है, मतलब तुम्हारा हाथ पैर मुंह फलाना ढिकाना सब हिलता है, ठीक है, अच्छी खासी बॉडी मूवमेंट होती है जिस वजह से काफी थकान हो जाती है। ओके अब थकान की वजह से यार यहाँ पे समझा करो यार, बहुत सो रहा हूँ मैं और फिर नहीं हो पाता काम, बट ट्राई करूंगा मैं यार इस शेड्यूल को थोड़ा ठीक करने की, ज्यादा टाइम की बात नहीं है, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।